क्या मामला है? रोड से पीड़ी है, हर शह पीड़ी है। असा कारोबार केडू करूँ, रोजी केडू करूँ? असा ना तो जुल्म है, थे रुपए की विक्री नहीं है। दो घंटे के लिए, दो घंटे में तो जा रहे हैं कुकड़ वाले गरीब, दो घंटे के लिए रोजी कर रहे हैं। ये रोड बिल्कुल यहाँ पे बंद है, ये देखिए, ये आपका गद्दा खा बस अड्डा है, आपका दुकान है सर? जी हाँ। क्या मामला है सर? ये आप क्या, ये बहन माए आ सकती हैं? ये रास्ता खुला हुआ है, ये देखो रास्ता है मेरे दुकान के सामने। कोई आए गायक, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो भी खलीफा थे, उन उसका बेटा खेलना गया था, खेलने गया था तो उसको बोला गया था आप हमारे गुलाम के बेटे हो, आप अब हमारी गुलामी करोगे तो फिर हमें आपको तनख्वाह मिलेगी। SDM साहब को 3 मरतबा बोला गया है, क्यों? कानून की खुददारी में, हदीस में, कुरान शरीफ में बोला गया कि 3 मरतबा बोला जाए, उसके बाद जो कार्रवाई होगी वही होगी। अगर इन लोगों से महीना भत्ता लेते हैं, 10,000 महाना मैं भरता हूँ, क्या ये लोग भरते हैं? कोई रास्ता है, कोई रास्ता है? पानी लगा तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। यहाँ पे ये एक स्टेट है, यहाँ पे हुकूमत है, यहाँ पे इंतजामिया है, लेकिन बदकिस्मती से आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे बिल्कुल रास्ता बंद है। यहाँ पे जब हमारी बात हुई इंतजामिया से, इंतजामिया बेबस नजर आ रही है, और दूसरे यहाँ पे जो अपना मुर्गी फरोश वाले हैं, खरीदो फरोद कर, उनका कहना है कि हम घंटा दो घंटे के लिए हैं। जिस तरह ये भाई का कहना है कि हम 10,000 रुपया रेंट दे रहे हैं, मुलाजिम भी होता है वो, कहाँ से हम अफोर्ड कर सके? हमारे कारोबार ना होने के बराबर है। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे सर? आपका तरफ ये साइड में मेरा दुकान है, 25,000 किराया है दुकान का, ठीक है? ये हालत है यहाँ पे, आप बताएं कि कोई लेडीज यहाँ से क्रास करेगी? नहीं करेगी, नहीं करेगी क्रास, ठीक है? इनको कितनी मरतबा ये कह रहे हैं कि घंटा दो, घंटा दो नहीं, सुबह 7 बजे से ये बैठते हैं, शाम को 4 बजे तक ये बैठे होते हैं। हम भी किराया भरते हैं दुकान के, हम भी, हम कहाँ जाएं भाई? हुकूमत को चाहिए कहने के लिए कोई आसान जगह पे? हुकूमत को सर, हुकूमत को ये चाहिए, हुकूमत को ये चाहिए कि ये पीढ़ी यहाँ से ख़त्म करे। फार्म पे जगह है ना, फार्म पे पीढ़ी को भेजे, वहाँ बकरा पीढ़ी वहाँ है ना, तो इसको भी भेजो वहाँ पर। बिल्कुल, इस वक्त हम आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं, ये गंदा खा बस स्टैंड है, यहाँ पे ताजर बरादरी सज्जन का कहना है कि 20-25 रुपया अपना किराया दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे कैमरा आपको पीछे से दिखा सकता है कि इस वक्त कोई यहाँ पे निकल भी नहीं सकता है, खवातीन बच्चे इमरजेंसी की सूरत में कहाँ से आएंगे? जी चाचा, अस्सलाम वालेकुम। सुबह लिहारी, हम बैठे अलियाबाद जमाली। जी सर, जी ये रस्ते वाले मानू खड़े, बाजारी मानू, हमारी पीढ़ी है, देख रहे है, कुकड़ भी हमारे ये पड़े, इधर पड़े है। हम रोजी के लाइए आज 50-20 एक दाने में कमाते हैं, बच्चे के लिए रोजी करते हैं। वो दुकानदार झूठ बोल रहे, उसका दुकान उधर है, वो दग वाले आदमी है, रस्ते वाले, हम नहीं करे सर दग वाले, तो आपको खातिर ठहरे हुए आप लोगों को देखें। हम इधर पड़े, हमारे कुकर इधर पड़े, हम इधर खड़े, वो ऐसे बंदे है, फालतू बंदे खड़े है, हम नहीं उसको बोला तुम उधर जाके खड़ो। हाँ, मेहरबानी करो, और अगर आप लोगों को कोई जगह दे दे गवर्नमेंट, जगह भली जो, हम उधर ही चले जाएंगे, बस यही चीज हो। हाँ, रोजी के लिए हम आ रहे हैं भाई। बहुत शुक्रिया जी। लेगारी साहब का कहना है कि हम काम कर रहे हैं, देखने वालों से गुजारिश कि आप अपनी कमर सराय दीजिए कि क्या ये जो अपना मुर्गी वाले हैं ये सही करें या दुकानदार सही करें। हमारे कैमरा भी आपको दिखा सकते, भाई हुकूमत वक्त से गुजारिश करूँगा, असिस्टेंट कमिश्नर उस्तामों से गुजारिश करूँगा, तो खुदा इस बाबत नोट्स लिया जाए, ऐसे ना हो कि यहाँ पे ताजर बरादरी, यहाँ पे जो मुर्गी वाले दस्तों गरेबर ना हो जाए, मामले को हल किया जाए और यहाँ पे आ जाए कोई देखे क्या ये क्या हालात है। प्लाट दे दे तो फिर इधर से चला जाएंगे, नहीं तो ये दो घंटे के लिए, तो इधर गरीब सारे रोजगार करते हैं ना, नहीं तो ये सारे 50-50 कमाते हैं, कोई 10 व्हीलर नहीं चलाते हैं, मुर्गी बेचते हैं, मुर्गी वाले को 50-20 रुपया बनता है एक दाने का, ये कहाँ जाए? कोई तरीका हमें गवर्नमेंट दे दे, कोई प्लाट अच्छा सा दे, वो चले जाएंगे, नहीं तो ये 14 साल से इधर पीढ़ी है, 14 साल से इधर पीढ़ी है। मेरी बात सुनो तुम, ये जो ठगे, क्या बोलते हैं, ठगे सारे। सर क्या कहना चाहेंगे? सर जी हमारा ये कारोबार बंद है, 1 बजे तक इधर ऐसी रश होती है, 1 बजे तक इधर, हम सुबह से आते हैं, इधर सारा कचकोल होता है भाई, हम खुद डेली इसको साफ करते हैं, हर रोज इसको साफ करते हैं, तकरीबन इसको तो 20 साल हो गए, यकी सफा करते आ रहे हैं, हमारे तो कोई सुनता भी नहीं है। सर यहाँ पे क्राउड है, ऐसे कारोबार तो आपका हो रहा होगा ना? किधर कारोबार, एक तक तो बंद है भाई, इधर 10,000 बच्चे, अभी आप देखे इधर, अभी इधर कोई लेडीज का गुजरे किधर से, अभी आप देखें लेडीज इधर कोई नहीं गुजरेगी, देखे ना आप,
अभी उधर से देखें। आप डिप्टी कमिश्नर को, असिस्टेंट कमिश्नर को क्या कहेंगे सर? हमें अपील है कि इनके पास हटाया जाए। नाम क्या है? जहूर अहमद जी। जहूर अहमद साहब जी, क्या कहना चाहेंगे? ये अभी अभी इधर कैमरा मैन आपका दिखा है, इधर के अगर जगह है लेडीज की या मोटरसाइकिल की, उस दिन क्या हुआ, इधर लड़ पड़े सारे, ठीक है ना, लेडीज से बड़ा हो गया भाई और टच हो गए। हमने कहा कि भाई अभी हुकूमत वाले से ये कहते कि जैसे पहले आपने कार्रवाई की, एक सिपाही मुकर्रर किया गया, यहाँ एक सिपाही को जो है वो डंडा उठा के इधर से जाए। इधर नहीं बच्चों, रस्तों के बीच पर उनको क्या काम है? ये जहाँ पीढ़ी है आगे बहुत सा रास्ता है, आप देखें है ना, रास्ता है ना, अभी पीछे चले जाएँ कोई मसला नहीं है। रोड के ऊपर खड़े होकर क्या करें, एक साइड करें, किसी को मोटरसाइकिल की जगह नहीं है, किसी को पैदल वाला भी नहीं आ सकता, बच्चों के साथ नहीं आ सकते। ये आपका गंदा का बस अड्डा है, बदकिस्मती से आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे कैमरा भी दिखा सकता है कि यहाँ पे खवातीन बच्चे को कैसे यहाँ से गुजर सकते हैं। यहाँ पे जो पुलिस है इंतजामिया बेबस नजर आ रही है, गाड़ी आई है तो यहाँ पे खुद साइकिल मोटर यहाँ पे ठहरे हुए हैं। ये जुल्म कीता है, जब हमने बात किया है तो यहाँ पे जो मुर्गी वाले कह रहे हैं कि हम रोजी करें, ये फैसला हुकूमत को करना है। तो अपना मेज़बान दिलमुराद उमरानी को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए बस।